निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने एक बार फिर प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार पर निशाना साधा है। हाल ही में पेश किए गए बजट को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्ज वाला बजट पेश किया है और प्रदेश कर्ज में डूब रहा है। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण परिषद में एक भी किसान प्रतिनिधि नहीं होने से किसानों का भला नहीं हो सकता और सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता से संपर्क पर कुंडू ने कहा कि सुशील गुप्ता से उनके व्यक्तिगत संबंध हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनसे कोई मुलाकात या बात नहीं हुई है। मेरे यही समझ में, कौन सा फर्ज समझते हैं, आज पूरे प्रदेश में हर एक विभाग लगभग 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी जो हैं वो अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लड़ रहे हैं, और 1 लाख से ज्यादा जो आउटसोर्सिंग के जो 10 से 5 से लेकर 15 साल तक जो कच्चे कर्मचारी जो लगे हुए हैं, जिसको डीसी रेट बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं, वो जो है आज 15 साल की नौकरी होने के बाद में आज वो सड़कों पर आ गए। किसान कल्याण परिषद एक गठन करने जा रहे हैं, उसके अंदर हैरानी हुई मुझे देखकर, एक भी किसान उसके अंदर प्रतिनिधि उसके अंदर है। बात किसान की कर रहे हैं, कल्याण किसान के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं एक भी किसान को जो उसके अंदर मेंबर बनाने की बात नहीं कर रहे।